मां मेरी न संदेशो दीजो हो। काजल लागे किरकरोर सुरमो फैलियो जाए। बाबू मेरे टीम ले जाए रे आ तीन का तीन। अबे हाजरा बारे कौन जान देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर। और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो राजस्थान में सूरतगढ़ को है। और सूरतगढ़ के अंदर नगेंद्र सिंह शेखावत एक कलाकार है जिसका राजस्थानी फिल्मों के अंदर भी काम कर चुके हैं। बिंग अलावा वे आजकल जी को यूट्यूब का चैनल चला है वहाँ पर भी वे कई सीरियल और कई कलाकार के साथ काम कर चुके हैं। तो वे काफ़ी वर्षों राजस्थानी भाषा का जी का फिल्मा बने कोई गाना बने कई तरह का कोई सीरियल बने तो बिंग अंदर वे रेगुलर काम करने लग रहे हैं। तो आज आप शेखावत जी के बारे में ई वीडियो में बात करांगा। तो नगेंद्र सिंह जी थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आप पधारे इतनी दूर तकलीफ करी और बड़ो ही बढ़िया काम कर रहे हो आप। कलाकार ने बुस्टअप कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, ऊपर चढ़ा रहे हो, एक लिए थान बहुत बहुत धन्यवाद। नगेंद्र सिंह जी थे पहली बार जब शुरुआत करी आज थारी एज के अनुसार थे किसी जो थारी एज ही जो थारे इसी अमन में किया विचार आया भी थे जी का राजस्थानी भाषा में जी की फिल्मा बने बंग अंदर किया आया दर्शकान जानकारी दो भी थे किया शुरुआत करी और कठू शुरुआत करी किसी फिल्म थारी पहली रही भी बारे में बताओ। पहली बात तो साहब लक्ष्मण जी मैं नटखट हो बचपन में घर भी उछल कूद वगैरह करता रहता है और जो भी चीज है। और मेरा पहला सौभाग्य वो हो सुनील दत्त साहब सागे मेरो एक नाटक करने को मौको मिलो। सुनील दत्त फौजियों का इंटरटेनमेंट वास्ते अजंता आर्ट ग्रुप का नाम एक ग्रुप बनाता और जितना भी बॉर्डर का शहर है वहाँ पर मैं मनोरंजन करता। तो बीकानेर जब वहाँ कार्यक्रम हो तो मैं पढ़ता हूँ कुछ चौथी पांचवी में तो मैंने एक बच्चे के रोल की आवश्यकता ही तो मैं ढूंढो तो मेरी स्कूल में आया तो मारो प्रिंसिपल साहब बोले साहब मारो तो नगेंद्र है। तो साहब बांके सागे काम करने को मौको मिले छोटी सी उम्र में और बीटे भी बड़ो जोरदार गजब वाक्य हो एक फौजी के डेथ हो जाए बिंकी विधवा को और बच्चे को के हाल है भी पर भाई स्टोरी कोई कर रहा है। तो बोले इन लेडीज ने तो माँ कहना है और ये ऐसे है मोसाब मत हुई माँ कू को नहीं लिखू का सुंदर ज्यादा है मैं माँ कू को नहीं। तो वे मतलब हंसी मजाक को मेरे बचपन ही मत स्वत गॉड गिफ्ट मानो वह है। फिर मैं बेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हो गयो पहल गाँव 15 दिन को कंपटीशन हो श्री राजीव गांधी बी टीम प्राइम मिनिस्टर है मैं पधारे और डेली एक मंत्री भी मैं प्रोग्राम में आता हूँ पहल गाँव में वहाँ मेरे प्रोग्राम ने सराहो और इनाम तो खैर वो जो कमेटी वो बना के दियो दियो मगर मैंने कंपटीशन के अलावा भी बने कुछ प्रोग्राम और करके दिखाना पड़ा बाकी डिमांड पर। और फिर राजस्थानी फिल्म गौरी बनी 1993 में बाकी नब्बो ऑल इंडिया कॉमेडियन बनू बाकी शायद मेरा कोई नंबर आया कोई संपर्क सूत्र हो गया तो बा मैंने बुलायो भी मैं हीरोइन नीलू ही रवि जांकल रामेश्वर प्राजक्ता जो कि दामिनी में बा नौकरानी को रोल करे बा ही प्राजक्ता भी कह बाप को रोल हो मेरो। और फिल्म अच्छी ही धीरे धीरे फिर काफ़ी लंबे समय तक फिल्मा मिली भी कौन नहीं और मैं प्रयास भी कौन करियो प्रयास हो यो को करूँगा तो राजस्थानी फिल्मा ही करूँगा। तो इनके बाद में मैंने बहुत लेट जा करके अरविंद जी की नीलू जी की फिल्म ही राजू राठौड़ इनमें भी रोल मिलियो इनमें भी हीरोइन का बाप को रोल है। और फिर एक हिंदी और राजस्थानी दुनिया में एक फिल्म बच्चा के ऊपर ही रियल चैंपियन बात हिंदी में बनी ही और कमाल का भाईला भी ने राजस्थानी भाषा में बांडअप करी भी में भी अच्छा रोल हो मेरा। और अभी अपने लॉकडाउन जस्ट पहली अपने क्षितिज कुमार जी राजस्थानी हीरो हैं जबरदस्त कामयाब हीरो हैं आपने ध्यान हुए एक गानों राजस्थानी को आज भी बड़े मशहूर है नखराड़ो देवरियो भाभी पर जादू कर गयो जो को देवरियो का रोल वो क्षितिज कुमार जी को हो बड़ा अच्छा कलाकार है मजे का कलाकार है और कलाकार सागर बड़ा कॉपरेटिव नेचर हूँ
बाद में पुस्टअप करे, उठावे ऊपर और सागे काम करावे। और अब कई दिनों कोरोना के बाद में कोई फिल्म अभी मेरे सीध में कोई आई को नहीं, मैं बांग संपर्क में आयो को नहीं। ये वास्ते एज ए यूट्यूब चैनल है अभी 5-6-7 कर। नगेंद्र सिंह जी जब थे पहली बार जब शुरुआत करी है कैमरो फेस करो जी हाँ मालू थे को बचपन थारो इमें थारी इच्छा ही काम करने की, तो जी जिये थे स्टार्ट करियो फिर फिल्मा के अंदर थे गया, तो पहली बार जब कोई काम करे तो बिंगी झिझक हुआ या थे कोई पहली कोई मालू कोई प्रैक्टिकल थे कड़ी जानकारी ली नॉलेज किए आयो थार के ना? वो बस आपने यादव साहब आज निवेदन करूंगो कि परमात्मा की मर्जी हुआ ऐसा, मैं मैंने वास्तव में कद झिझक आई को नहीं, मतलब चाहे मैं 2 में खड़े हूँ या 100 में खड़े हूँ, जो मैंने करना है मेरे बताया है। और मैं लगभग कॉमेडी स्वतः ही तैयार करूँ, खुद ही तैयार करूँ मेरी। और मैं तो साहब अमिताभ बच्चन साहब भी कहे कि साहब पहले सीन या पहला लाइन डायलॉग की लाइन बोलोगे तो एक बार पिंडी जरूर कांपेगी, पतो नहीं गलत निकल जा सही निकल जा। इन वास्ते थोड़ा सो झिझक हल्को सो अब भी रहे, अब ज़्यादा उम्र होगी तो थोड़ी सी ज़्यादा झिझक रहे लगी, कोई बोली में फर्क पड़ गया कुछ और में है, मगर फिर गाड़ी स्टार्ट होगी तो फिर एकदम होगी, फिर ओके काम, फिर कोई दिक्कत को नहीं हो सब। तो जब थे फिल्मा में और जिके सीरियल अंदर कोई काम करियो वीडियो में जिया राजस्थान बादशाह ने ले गए थे करने लाग रहे हो, तो थारा परिवार को कैसे हो रहे हो जिया थारा पिताजी अभी टाइम जिया छोटे थे बचपन में ही सीखने लग गया हो काम, तो घर में कोई इसी कोई रुकावट आवा परिवार है रिश्तेदार है तो कई बार रोक टोक भी करे बीतरियों के काम करने लगे इसी कोई थार समस्या आई? बिल्कुल आई साहब, मैं सन 1970-71 हूँ मारे सूरतगढ़ में रामलीला है साहब जबरदस्त आरसीपी की रामलीला भी मैं जोकर को रोल करूँ हूँ आज तक भी करूँ हूँ आई साल, पर पापा ने आ चीज पसंद को नहीं ही बोले क्या यार ये नाचना कूदने का पढ़ो मन लगाओ और ये करो वो करो, तो साहब डरता छुपता जाता डोली कूद गई घराम जाता डोली कूद गई आता बेरो पाड़ता कभी बड़ा सख्त स्वभाव का पिताजी, फिर भी मैं लगे रहा। बाकी ने मैंने आर्थिक सहयोग भी लो घरों ही काम वास्ते, ने कोई तू जा भी ले तेरे काम है, मैंने मेरी पहली फिल्म गोरी मिली तो कम कम मेरा 5-6 दोस्त है बढ़िया, मैं आपकी गाड़ी ले गया और कर गया बड़ो मान सम्मान हूँ, आर्थिक सहायता भी दी घर तो मैंने आसपास नहीं मिला कुछ, पर घर की रुकावट साहब अगर बात चीज होती तो आज शायद मैं खड़े और मुकाम पर होता। तो आज जिया थारा अब शादी होगी बच्चा हो गया, तो अब मान लियो थारा घराड़ा में कोई रुकावट थार करता हो बच्चा की कहता है पापा ओके काम करो थे इसी के बाद? नहीं नहीं अब को नहीं, मेरो मेरे एक बच्चों है और एक बच्ची है, बच्चों बैंक में है लागेड़ो और वो भी आर्टिस्ट है, रामलीला में रावण को दशरथ को और कई अच्छा अच्छा रोल करे है, और अब सगा को सहयोग है, सिर्फ पापा ही एक विरोध करता बाकी मेरा भाषा भी सहयोग करता, पर पापा ऊपर की कह जाता भाई इन वास्ते अब मेरे खुली छूट है, पर वो बाबू मेरे टीम ले जा रहे हैं 3-3 अब भाई हाज ना बारे कौन जान देता, अब बारे जानो है तो घर की जुम्मारी मेरे पर आ गई तो आने एकला छोड़ के कर जाऊँ, अब टाबर भी जवान हो गया धंधा लग गया तो अब हमारी उम्र डल गई, पर जिसो भी प्रयास है मैं को किस्मत आदमी के सागे भगवान को साथ किस्मत होनी बहुत जरूरी है, अब पता नहीं वो के चावे आज 65 साल की उम्र हो जो मेरा पहला इंटरव्यू आ रहा है लक्ष्मण जी यादव के द्वारा, तो वो भी मैं एक चमत्कार मान रही हूँ ऊपर लोग देवे, तो एक बीच में बीच उदाहरण दूंगा आदमी का कामयाबी होने में उम्र को कोई लेने देने को नहीं हुए, एक KFC ब्रांड आवे KFC जो कहो दौड़ी दाड़ी और बैरक है, वे बचपन पैदा होता ही बाग माँ बाप खत्म हो गया रिश्तेदार आएंगे इनने भी ने धक्का खाया और कर और भाई उम्र में बाद 2-3 बार सुसाइड करने की भी सोची बोले इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मगर फिर मैं ऐसा धक्का खाता खाता मैं बढ़िया कुक बन गया और आज माँ को ब्रांड ऑल वर्ल्ड में माँ को ब्रांड चल रहे हैं, 65 साल की उम्र में जाके भाग्य उदय हुए और आज मैं वर्ल्ड का 3rd नंबर का पिछाड़ा आदमी है, तो अब भगवान कर चेत जाए कद ऊंट के करवट बैठ जाए आसन ऊपर लगी लीला है अपरंपार है, प्रयास कर रहा हूँ हिम्मत को नहीं हारूँ, हाँ मेरा एक मेन उद्देश्य है कि मैं पब्लिक को मनोरंजन करूँ, कोई पिसा को दान करे कोई क्या को दान करे मैं वो हंसाने को दान करूँ,
ये मने बड़ी खुद की संतुष्टि बड़ो आनंद आवे और जो आप लोग और मेरा दर्शक हंस है तो मन बहुत ही आनंद आवे साक्षात प्रभु का दर्शन हो जाए बीटे इन वास्ते पिसा को तो कोई लेने देने को कोई देवे तो ठीक है दो रोटी चौपड़ी के खाला नहीं दे तो दुखी खा लिया पर आनंद करांगा ऐश करांगा और हास्य रस में मेरा ज़्यादा विश्वास है। तो राजस्थानी फिल्मों में जिका थे रोल कराया तो बे थारा कोई कॉमेडी रोल आ या के तरह का रोल हो? बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछो है मैं थाने बताऊ हो रही हूँ मैं बढ़िया कॉमेडियन होने के बावजूद मैंने सीरियस ही सीरियस रोल मिला। अब जो कि लास्ट मेरी फिल्म शूट हो रही थारो ब्याह हो गयो के इनमें भी मैन विलन को रोल मिले मेरे जो को चाह है मेरे खुद को मैं कुछ भी कर सकूँ वो मैंने आज तक कौन मिले रोल। तो ज्यादातर थे हास्य कलाकारी में ही काम करना पसंद करो? हाँ ज्यादा मैं हास्य कलाकारी में पसंद करूँ जी हाँ फिल्मों में जहाँ हरेक का फॉलोअर्स हुए तो जहाँ कादर खान साहब है अनुपम खेर साहब है ए विलेन भी बन ले कॉमेडियन भी बन ले आपको ट्रेक है जाए जो कि चीज चाहे बन सके बी टी एम का प्राण साहब क्या कहने उपकार में आके पूरी अपनी छवि बदल दी बन तो मैं भी टाइप की चीज़ करना चाहूँ मैं कॉमेडियन भी तो हुई हूँ विलेन भी बन के देखना चाहूँ सीरियस भी करके देखना चाहूँ मगर ज़्यादा मजा बन कॉमेडी में आए। नगेंद्र सिंह जी जिकी थारी कॉमेडी है एबिंग अंदर कोई थारी सी अभी कोई बात याद हो जिकी दर्शकान थे सुनास को जी कहें वो हंस सके? अब जब मेरे मशहूर से चुटकुलो है बाके देखो जी ऐसा लगर मैं मुछे वाला आया है मैंने आँखियाँ पाड़ पाड़ के देखे थी मैंने खिड़की को पर्दो लिया दियो वे बोली बावली तू तेरा मुंडो दिखायो गे बोले ना इतनी बावली को नहीं मुंडो कौन दिखायो वो तू एक तेरो मुंडो दिखा दे फिर बोल जाओ गो खिड़की को पर्दो आप तू लेवांगा तो इन टाइप किसी करनो मेरे मारवाड़ी को और लज्जे को और बिना मैं कैमरे के भी बिना घर में भी मैं ये करतो रहूँ 24 घंटा कॉमेडी और बच्चा भी बड़ा खुश रहे मेरे दो पोती एक पोतो है और एक दोई तो एक दोईती है बच्चा ठीक वेल सेटल्ड है। थारो जी को एक्सपीरियंस रहे हो आज तक थे लगातार फिल्मों में भी काम करे हो यूट्यूब पर जी का सीरियल चल है बा में भी थे काम करे हो कॉमेडी सेक्टर में थे स्टेज शो पर भी काम कर चुके हो तो थे थारे एक्सपीरियंस के आधार पर दर्शकन के जानकारी देना चाहोगे जी के अंदर थे आज कॉमेडी भी करी है फिल्मों में काम करे है तो इसी कोई जानकारी बा दर्शकन भी बताओ भी इंग अंदर कितो संघर्ष कर गए और किया इंग अंदर कामयाबी मिले इंग बारे में जानकारी दो। बिल्कुल यार साहब मैं आ कहनी चाहूँ जो का यंगस्टर है जवान नौजवान नवयुक एज का फिल्मा देख करके या यूट्यूब देख करके बनना चाहे स्वागत है बढ़ाओ मगर सर ना पहले भाई आपकी शिक्षा पूरी करो शिक्षा के बिना आजकल इतना टेक्निकल तरीको है हर चीज़ को कि बिना शिक्षा के बाकी चीज़ समझ में आओगी को नहीं पूरा शिक्षित हो जाए आपकी डिग्री हासिल कर ले और कोई हो सके तो बढ़िया गुरु पकड़े गुरु के बिना अब जे मैं हो या मेरा कई साथी शायद भी बिना गुरु के आगे बढ़े रहा तो बिना गुरु के तो वो टेक्निकल नॉलेज कैमरों क्या फेस करना है डायलॉग डिलीवरी क्या करनी है कैमरों की एंगल में है ये चीज़ सगड़ी भी टेम सीखनी हुए सीखने के बाद में बाना इस क्षेत्र में आना चाहिए इस क्षेत्र में बड़ा स्कोप है अगर आपको चाल जाए तो भाग्य आपको साथ देवे तो आप बहुत बड़ा पॉपुलर हो उसको ये लाइन में धन के सागे सागे पॉपुलरिटी बहुत बढ़िया मिल जाए आदमी ने सगला मतलब जितना भी जगह दर्शक है वह आपका भी कलाकारों प्यार करने लग जाए और इन जमाने में प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। तो अभी थारो कोई यूट्यूब पर कोई शो गाना हो या कोई इसी कोई थारी कॉमेडी आने वाली हो तो बारे में बताओ? अभी जस्ट एक गानों करके आयो मैं अपने सीतू वर्मा के यूट्यूब चैनल पर दादा पोते को बड़ो मार्मिक सो बहुत ही प्यारो सॉन्ग है बिंगो भी मैं अभी अभी लेटेस्ट ही करके पर 4-5 दिन पहले अभी करके आया हाँ भी मैं भी ठीक है पोते सागर दादा सागर ट्यूनिंग और भी पहले भी सीतू वर्मा के यूट्यूब चैनल पर शहीद का एक आपने पड़ोस में गांव है बड़े शहीद हो गया भाई मेजर साहब बा के ऊपर बनायो बहुत ही मार्मिक बड़ो ही दर्द भरियो एकदम गानो जो कि मैं आदमी ने सुनते गिनते सगड़ा का लगभग आँखें गिल्ली हो जाए यहाँ को ए दो अभी लेटेस्ट गाना करेड़ा है मेरा बंग सागर।
नगेंद्र सिंह जी आज थे थारे कीमती समय में जी को मैंने समय दिया बिंग लिया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समय दियो साहब पेमेंट भी ले लीसु मैं कीमती दिए है। खैर कॉमेडी शोभा तो मैं आज थार साके कॉमेडी करनी चाहो को नहीं हो, क्योंकि थारी शक्ल मेरे पापा में मिले तो मैं पापा में बहुत डरतो वास्ते थार साके कॉमेडी करनी चाहो को नहीं। बाकी मिलता जुलता रहा करो आज कदे कदे जरूर मिलेंगे, वो नहीं पहली बार मिला मिला नहीं, आदमी आदमी को मिले कुओं कुओं को मिला आदमी आदमी मिल जाए तो जिशा थे आज मेरे दर्शन दिया है। माना भी कदे बुलाओ आपको कोई किसी मेरे लायक काम हो, क्योंकि मैं कलाकारी के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी हूँ। मैं बता दूँ आपने सन 77 में इमरजेंसी टूटने के बाद में मैं ठेगाठी हायर सेकेंडरी स्कूल को प्रधानमंत्री बन गया हूँ, और बी के बाद में 95 में मैं 1982 में नगर पालिका को पार्षद और वाइस चेयरमैन बन गयो। चार पांच दिन मेरे कन चेयरमैन को चार्ज भी रहे हो, और बी के बाद में मैं तीसरी योजना श्रीमती आरती जी शर्मा चेयरमैन है, बी पीरियड में मैं पार्षद हो तो दो तीन बार पार्षद हो नगर पालिका काम वगैरह पॉलिटिक्स भी हल्की फुल्की और कॉमेडी भी हल्की फुल्की और जीवन की गाड़ी हटता ही ई पटरी पर चाल रही है सब। नगेंद्र सिंह जी आज थारो मिल गया मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपको भी। मैं थाने एक शेर मतलब इतना अच्छा लगे थे मैंने काजल लागे किरकरोर सुरमो फैलो जाए जिन नेणा में थे बसो दूजो क्या समाए, तो आज थे मेरे काजल बस गया। धन्यवाद साहब। दूसरो शेर और कैसी आपको मैं मेरी पलकों में नहीं बैठाऊंगा, आपको मैं मेरी पलकों में नहीं बिठाऊंगा क्योंकि वहाँ मेरे सपने बसते हैं, मैं आपको अपने दिल में बिठाऊंगा जहाँ मेरे अपने बसते हैं। तो आज आप मेरे अपने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थे अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करियो, सागे बेल आइकन यानी घंटी के निशान ने भी दबा दियो ताकि प्रियंका जी का वीडियो है बांगा नोटिफिकेशन थार तक जल्द जल्द पहुंच सके। सागे कमेंट में थारी कोई प्रतिक्रिया हो भी लिख के भेजे करो। जी हाँ नगेंद्र सिंह जी मेरी नज़र में कोनिया सूरतगढ़ में काफ़ी बार आए हूँ, तो ऐसा कोई कलाकार थारे भी कोई नज़र में हो तो कॉमेंट में लिख के भेजे करो ताकि मैं बांगी जानकारी थारे तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।